स्टार्ट विद द स्क्वायर पेपर. कीप अ राइट साइड अप. नाउ मेक अ क्रीज. Fold in half and then unfold it. Now left वाला corner आपको right side के पास ले जाके इसको fold करना है. But ये जो center line है इससे आपको point आपका center line वाला है, इसको आपको ऐसे fold कर. Now press. Next step is, अब आपको right side वाला corner है वो left side की तरफ ओवरलैप करना है. डन. अब आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला पोर्शन इसको अपोजिट साइड करना है. अब इसको अपोजिट साइड फोल्ड करना है. लाइक दिस. नाउ अब ये वाला पोर्शन है आपको आगे की तरफ ऐसे फोल्ड कर. अब इसको टर्न कर देंगे. ये वाला पोर्शन दिख रहा है ऐसे, इसको हमें इसी लाइन के ऊपर लेके ऐसे फोल्ड करना है. वन क्रीज बनानी है ऐसी, हमें सेम एक और क्रीज बनानी है. टू लाइंस आ गई है हमारे पास, ये वाली एंड ये वाली. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली लाइन को पहले हम फोल्ड कर देंगे. लाइक दिस. फर्स्ट वाली लाइन को फोल्ड कर दिया. अब क्या करेंगे, फोल्ड करने के बाद इस वाले पोर्शन को हम नीचे ऐसे करके देन इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे. अब फेवी को लेके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सेम एज इट इज इधर भी. नाउ अब जो इसका अपर पोर्शन है उसको हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे. लाइक दिस. नाउ अब जो इसके दोनों कॉर्नर्स जो एक्स्ट्रा निकले हुए अब हम इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे. नाउ आइसक्रीम इज डन. हम इसको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहो उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं.